मेरा नाम रितु है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बस न्यूज़पेपर में एक सनसनीखेज जुर्म की खबर बनकर रह गई हूँ। मेरा जो अंजाम हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ भी हो, और आपकी बेटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर मैं तो सिर्फ चाह सकती हूँ अपनी बेटी की सुरक्षा करना। वो आपके हाथों में है, ताकि वो आपकी उम्मीदें और अपने सपने जी सके। चाचा, हाँ? चाचा, चाचा, वो देखो, वो लड़के फिर हम तोड़ रहे हैं। रॉबर्ट, रुक जा, रुक। चल 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 चल। नानी मैं आ गई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तू आ गई, पर तू गई कहाँ थी? और ये क्या छुपा रही है, बता जरा। नानी वो तूने आज फिर आम चोरी की? नानी चोरी नहीं की है, उगाड़ की है। वो बड़े माली है ना, उन्हीं के बगीचे से। बड़े माली का तो ब्याह हो रहा होगा ना, इसीलिए मुफ्त में बांट रहा है वो आम। अरे बच्ची ने दो आम खा लिए तो कौन सा आम का बाग सुना हो गया। बिगाड़ लो अपनी लाडली को खूब। अरे तू उसकी फिक्र ना कर, मैं माली को आम के पैसे दे दूंगा। खा बेटा, तू तो आम खा। अरे कल से मेरठ जाएगी तो वहाँ पर भी ऐसी चोरियाँ करके आम खाएगी क्या? मेरठ वो? हाँ बेटा, वो कल तेरे पिताजी तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, फोन आया था आज उनका। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे सुन तो सही। अरे बेटा आओ आओ, खुश रहो खुश रहो, आओ बैठो। अरे सुनती हो, जमाई बाबू आए हैं। और बेटा रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। लो बेटा। तबीयत कैसी आपकी? मेरी तबीयत को क्या होगा, मेरी तबीयत तो रितु को देखकर ही ठीक हो जाती है। खुश रहो। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? घर पे ताऊजी देखेंगे तो क्या कहेंगे वो? तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम पहनने ओढ़ने के लक्षण तो सीख लो। जाने दो ना बेटा, बच्ची है। नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं लगाती हूँ। जी रहने दीजिए, नाश्ते के चक्कर में वो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ तुम अपना सामान ले लो, चलते हैं। मैं लेकर के आता हूँ। रो क्यों रही है बेटा? तेरी माँ को भी तेरी जरूरत है ना। मैं अगली छुट्टियों में तुझे फिर बुला लूंगी। हाँ अपना ख्याल रखना। खुश रहो। 3 साल में सारे रिवाज भूल गई? प्रणाम करते समय सर पे दुपट्टा होना चाहिए, हाथों में मेहंदी कैसी? वो गांव में बगल में शादी थी तो। बगल में शादी थी ना, तुम्हारी तो नहीं थी। जा। कैसी है? अच्छा सुन, नानी कैसी है? नानी भी ठीक है। दीदी, दीदी। अरे नेहा, वो कितनी बड़ी हो गई है। दीदी क्या लाई मेरे लिए? मैं तेरे लिए आम लाई हूँ। शरद जी। भाई साहब वो जमीन वाली फाइल लेके मेरे कमरे में आ जाना। जी। कहाँ जा रही रात को तुम? अब खाना खाने के बाद टहलने के लिए। कोई जरूरी नहीं है शरद, कोई बच्चलन कहे इससे पहले तो समझा दे अपनी बेटी को।
ये सहारनपुर नहीं है, वरना इसके साथ साथ नेहा का भी नाम खराब हो जाएगा। समझा इसे? चल रहने दे, अंदर जा, नेहा को भी ले जा। कैलेंडर की तारीख में दिन बदला, महीने बदले, साल बीते, सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से में कुछ ऐसा है जो अब तक नहीं बदला, और वो है हमारी सोच, जिसकी वजह से आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में न सिर्फ भेदभाव किया जाता है, बल्कि लड़कियों की हर इच्छा, हर आजादी को सिर्फ ये कहकर दरवाजों के पीछे बंद कर दिया जाता है कि इससे परिवार की कहीं बदनामी ना हो जाए। ऋतु जैसी लड़कियां उम्र के जिस पड़ाव में गुजर रही होती हैं, उसमें माँ बाप की ये संवादहीनता, बेवजह की डांट डपट और उससे पैदा हुआ उनके अंदर का डर कई बार उन्हें ऐसे भयानक दलदल में डाल देता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता वो खोज नहीं पाती। तो क्या सहारनपुर से 3 साल बाद दोबारा अपने माँ बाप के यहाँ मेरठ लौटी ऋतु भी ऐसे ही किसी अनजान खतरे की तरफ बढ़ने वाली? तुझे बोला था ना तेरे पापा के आने के पहले सब कुछ शिफ्ट कर, हो गया ना अभी? काम को घर आ रही है, आएगी ना, हम पार्टी करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? ये चेक शर्ट वाले लड़के को देखना, कब से घूरे जा रहे हैं। ये बाजू के बॉयज हॉस्टल में रहते, और स्कूल के बाद लड़कियों को ताड़ना ना इन लोगों का काम होता है। तू ना किसी को लाइन मत दे, इग्नोर मार, ठीक है? हेलो, क्या कौन था फोन पे? वो कह रहे कि हमारी रितु। रितु? क्या हुआ रितु को? क्या हुआ? क्या हुआ रितु को? तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो बोलो, रितु नहीं नहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। तो लड़की का स्कूल बैग, इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा सर। अंदर आओ। कितने बजे देखा था? सुबह 7 बजे जब क्लासरूम साफ करने आया था तभी। और स्कूल खुलता कितने बजे? 8 बजे साहब। मिश्रा, इस टेबल से पंखे तक की ऊंचाई लगभग 8 फीट की, लड़की की हाइट 5 फुट भी नहीं थी, फिर उसने इतने ऊंचे पंखे पर चुन्नी कैसे लटकाई होगी? किसी और टेबल का इस्तेमाल किया होता तो उसे भी यहीं कहीं गिरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। सर एक और बात, अगर लड़की को सुसाइड ही करना था तो घर से इतनी दूर स्कूल में क्यों? वो भी सुबह इतनी जल्दी। इस लड़की की पूरी कुंडली निकालनी है, मैं उसके घर जाकर पूछताछ करता हूँ, और तुम यहाँ स्कूल में उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, गार्ड्स सबसे इन्फॉर्मेशन लिखो। सर जी साहब, मैं ही यहाँ पर अकेला वॉचमैन हूँ। तो सुबह जब रितु यहाँ आई तब तू कहाँ? साहब मैं चाय पीने चला गया। अच्छा, ठीक उसी समय चाय पीने चला गया जब रितु यहाँ आई। सब कौन है? 7 बजे साफ सफाई के लिए गेट खोलना होता है और बच्चे 8 बजे से आना शुरू हो जाते, इसी बीच में चाय पीने चले जाता हूँ साहब। तेरे चाय के चक्कर में यहाँ एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है, किसकी रखवाली करने बैठा है? देखो यही रितु का बेड है। जी सर। आज सुबह ये बेड किसने ठीक किया? किसी ने भी सर। इस बिस्तर पे तो सिलवटे ही नहीं, इसका मतलब रात को इस पे कोई सोया नहीं। सर कभी कभी रितु है ना पढ़ते पढ़ते फर्श पे ही सो जाती थी। अच्छा होता कि सहारनपुर से यहाँ आती नहीं। सहारनपुर? सहारनपुर क्यों गई थी? 3 साल से रितु अपने नाना नानी के पास ही रह रही थी। हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी, उन्हें बुलवाइए यहाँ। चलो
साहब, उस दिन फोन आया था उसका, बहुत परेशान थी वो। हेलो नानी, नानी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने पास बुला लो ना। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे वहाँ पर पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, नेहा भी है, यहाँ पे सब कोई है, पर मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पे। कोई तो बात थी जो घर में किसी से बोल नहीं पाए। घर में उसकी माँ भी तो थी, पर उसके ताऊ जी इतने कड़क है, उनके डर से घबरा कर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। आप फिक्र मत कीजिए, सच का पता तो हम लगाए नहीं, कुछ और पूछना हुआ तो आपको दोबारा बुलाएं। सर, ये स्कूल की नर्स। हमें पता चला है कि रितु पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी, क्या वो आपके पास आई थी? हाँ सर, कुछ दिनों पहले आई तो थी मेरे पास। क्या हुआ, क्या रितु तुम्हें बताओ? वो कौन सी मेडिसिन चाहिए रितु? बस सर, ना उसने उस दिन कोई प्रॉब्लम बताई और वो उस दिन बिना कुछ मेडिसिन लिए भी चली गई। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी? रितु के यहाँ तुम कितने वक्त से काम कर रही हो? साहब 10-12 साल से। तो पिछले कुछ दिनों में तुमने रितु के साथ कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब या अलग लगे? साहब उस दिन मैं छत पर कपड़े लाने जा रही थी, तभी देखा कि उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा था। ये तो नहीं पता साहब। जो हमने उनके पापा और ताऊ के बारे में सुना है कि वो दोनों बड़े गुस्सैल हैं, क्या वो सही है? हाँ साहब, वो लोग बात बात पर लड़की पर हाथ उठा देते हैं साहब। बेवकूफ बनाती है मुझे, इतनी रात को वहाँ साइबर कैफे में सुनोर से लेने गई थी। वो ऑनलाइन लोन। चुप, आज के बाद तूने घर से बाहर कदम रखा ना तो टांगे काट के रख दूंगा तेरी मैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ साहब, चलो। ये फोटो देखो, ये लड़की कभी तुम्हारी दुकान पर आई थी? नहीं सर, ये लड़की तो नहीं आई थी, पर ऐसे ही स्कूल ड्रेस वाली एक लड़की आई थी यहाँ पर। अंकल, प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला किट है आपके पास? प्रेगनेंसी किट? दो सर, उसने प्रेगनेंसी किट मांगा था, पर वो स्कूल ड्रेस पहना था तो मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा था। उसका नाम पूछा था तुमने? नहीं सर, नाम तो नहीं पूछा था, पर देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, ये केस बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इसकी मौत सुबह फांसी पर लटकने से नहीं हुई, इसकी मौत सवेरे 5:30-6 के आसपास हुई। इसका मतलब डेड बॉडी को पंखे से लटकाया गया? जी हाँ, और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके प्राइवेट पार्ट में किसी चीज़ से गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसी ब्लीडिंग की वजह से इसकी मौत हो गई। तो क्या रितु प्रेग्नेंट थी? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसका मतलब ये एक सुसाइड केस नहीं है, पहले लड़की को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई और फिर सुसाइड का रंग देने के लिए लाश को पंखे से लटका दिया गया। लेकिन अगर रितु की मौत सेक्सुअल असॉल्ट से हुई है तो उसकी बॉडी स्कूल के पंखे तक कैसे पहुंची? किसने किया होगा? इसे सवाल है तो जवाब भी जरूरत है, लेकिन इस वक्त एक बात क्लियर है, ये सुसाइड केस नहीं है, मर्डर है। इसे देखा है कभी? जी हाँ, ये तो अक्सर यहाँ फोन करने आया करती थी। पिछली बार आई थी तो जब वो कुछ परेशान सी लग रही थी। परेशान? जी। कोई अंदाजा है क्या? पूछा था, बताया नहीं। ये हमेशा अकेले ही आती थी या कभी कोई और भी आया था इसके साथ? नहीं, इसके साथ कभी कभी एक लड़का आया करता। पिछले बार आए थे तो दोनों नेट पे बैठे थे। उस लड़के का आईडी लिया है कभी? जी हाँ, आईडी तो हम सबका ही लेते हैं। दिखाइए जरा। ठीक है, ये है सर। हाँ सर, साइबर कैफे से उस लड़के का पता चला है, उसका नाम रवि है सर, उसका एड्रेस भी मिल गया। हाँ ठीक है, निकालो। तो तू घूमता था रितु के साथ? हाँ? और ये प्रेगनेंसी वाला क्या चक्कर है? प्रेग्नेंट?
सर, प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और हम दोनों तो केवल दोस्त थे। अगर सिर्फ दोस्त था तो उसके घर के इतने चक्कर क्यों काटता था तू? सर सर, वो मुझे उसे आकांक्षा के बारे में कुछ बोलना था। तो आकांक्षा को जानता है? जी सर। कैसे? सर एक्चुअली वो मेरे रूममेट की गर्लफ्रेंड थी और उसने तो मुझे मिलवाया था ऋतु से। ये ऋतु है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऋतु? तो आकांक्षा की ऐसी कौन सी बात थी जिसे बताने के लिए तुम ऋतु के घर के चक्कर काट रहे थे? सर सब कुछ ठीक चल रहा था मगर एक दिन मुझे आकांक्षा ने फोन करके घर पे बुलाया। हे हाय। अंकल आंटी नहीं है क्या? हाँ वो एक्चुअली दिल्ली गए हैं और घर पे सिर्फ मैं और ऋतु है। ऋतु? हाँ। कहाँ है? मगर ये सो क्यों रही है? तो हुआ क्या है? तुझे उससे क्या, तुझे पसंद है ना तो जितना ऐश करना है कर ले। बोल क्या रही है तू, मतलब कहना क्या चाहती है? अगर इसके होश आने के पहले तूने इसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं, फिर तो इसे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। कैसी दोस्त है यार तू, और क्या बोल रही है? मैं इसको अभी अपने साथ लेके जाऊंगा। ऋतु ऋतु चल चल अभी साथ में। हाँ और अगर इसके ताऊजी मिल जाए ना तो उन्हें बता देना कि तू इसके साथ क्यों है। हाँ बहुत गलत कर रही है यार तू, इसे होश आने दे तेरी सारी बातें बताऊंगा। पर आकांक्षा तो ऋतु की बचपन की फ्रेंड थी, वो ऐसा क्यों चाहती थी? पता नहीं सर, मगर सच वही है जो मैंने आपको बताया। उस दिन के बाद से मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी मगर हमारी बात नहीं हो पाई, और उस दिन जब पीसी पे लगा कि हमारी बात हो जाएगी तो उसके पापा आ गए और उसे साथ ले गए। ठीक है अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। जी सर। ऑल द। अब तो आकांक्षा से मिलने के बाद ही पता चलेगा ये गुत्थी सुलझेगी या और उलझेगी। पर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। सर सर प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। सर मुझे मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सर सर प्लीज मुझे पापा जी से मिलने दीजिए प्लीज। देखो आकांक्षा अपना ड्रामा बंद कर, हमें ये पता चल गया है कि उस दिन फार्मेसी से प्रेगनेंसी किट लेने तुम ही गई थी। सर सर मुझे कुछ समझ। देखो सच और झूठ का पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुमने ऋतु के बारे में हमसे कुछ छिपाया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। सर सब कुछ एक मजाक था, तो ऋतु ने बहुत सीरियसली ले ली। मजाक? कैसा मजाक था ये? सर वो मेरे मेरे बॉयफ्रेंड को ललचा रही थी। ऋतु इतना मत सोचो, एक काम करो ये ब्लैक करंट खा लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे टेस्ट का ख्याल तो कभी नहीं किया तुमने। शी इज इनोसेंट यार, इतनी केयरिंग तो बनती है, और वैसे भी ना तुम पुरानी हो गई हो। ऐसे एक बार नहीं कई बार, फिर मुझे उससे चलन होने लगी। जो देखो वो उसके आगे पीछे इनोसेंट इनोसेंट करके घूमने लगा। मेरा बॉयफ्रेंड तो जैसे उसका बॉडीगार्ड बन गया था। फिर मैंने एक दूसरे लड़के से अफेयर शुरू कर दिया। फिर एक दिन साइबर कैफे में मैं जब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी तभी ऋतु वहाँ आई। ऋतु ऋतु रुकना, सुनना तूने जो कुछ भी देखा है ना प्लीज किसी को बताना मत। यू नो ये कितना डिस्गस्टिंग है कि तू आजकल मेरे से कितने बुरे तरीके से बात कर रही है, और तूने तो अपनी लिमिट से क्रॉस कर दी। तू तो अपने खुद के बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। धोखा? धोखा मैं दे रही हूँ और तू क्या कर रही है? छीन लिया ना तूने मेरे विराट को। मैं ना तेरी जैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी जैसी लड़की मतलब क्या? हाँ लोग सही कहते थे कि तू किस टाइप की लड़की है। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है कि तू मेरी दोस्त है। क्या क्या कहते हैं लोग? लोग यही कहते हैं कि तू कितनी बड़ी कैरेक्टरिस्ट लड़की है। उसको मैंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी इंसल्ट उसने मेरी की है उससे कई ज्यादा इंसल्ट मैं उसकी करूंगी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो सॉरी बोलने के लिए।
मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, आई एम सॉरी, माफ कर दे। सॉरी? हाँ अब ठीक है। चल अंदर आ। मैं गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, कितना ओवर रिएक्ट कर रही थी मैं। तू सॉफ्ट ड्रिंक पिएगी? हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, बैठ। हाँ रितु, ये ले। पता मैंने ना तुझे बहुत मिस किया। अच्छा लेट्स सेलिब्रेट अवर फ्रेंडशिप, तू पिज़्ज़ा खाएगी? खाएगी ना? हाँ रुक मैं ऑर्डर करके आती हूँ। ठीक है तू पी। हाँ हाँ दस मिनट में पिज्जा ना। है तो आकांक्षा, ये पता नहीं ये सर सा बहुत चक्कर चक्कर आ रहा है। तो एक काम कर, एक काम कर, तू लेट जा। हाँ लेट जा रही तो। हेलो रवि। हाँ तो घर आ सकता है, एक सरप्राइज है। मगर रवि ने तो वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। हाँ लेकिन रवि के जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा। क्या हुआ रितु? रितु आकांक्षा, माय गॉड रितु, कि तूने क्या कर लिया रवि के साथ? आकांक्षा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? मैं तुझे और रवि को छोड़कर नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए और वापस आई तो देख ये हालत। अब क्या होगा? तो मतलब ये सब तेरी मर्जी से नहीं हुआ है? रवि ने तेरा रेप कर दिया? कर्जा सच्ची, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कुछ कदम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। कर्जा तू तू घबरा मत, तू जल्दी से कपड़े पहने और घर चले जा। किसी को कुछ मत बताना हाँ, और उस रवि से तो बात ही मत करना। उस रवि से तो मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। उस दिन मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मैं उसे और टॉर्चर करना चाहती थी। ठीक है आकांक्षा, मैं थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अब ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? क्या मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? सब कुछ तो कर लिया उस रवि ने तेरे साथ। एक काम करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? रुकना सुनना, अगर पॉजिटिव आ गया तो। अरे हिला मत, खराब हो जाएगा। तू एक काम कर, तू जाके बाहर बैठ। अरे जा ना। ठीक है जल्दी बताना। मैं बता दूंगी, तू जा। क्या क्या पता चला? माय गॉड रितु, ये तो पॉजिटिव आ गया। क्या
अब क्या करूंगी मैं? तू घबरा मत, मैं हूँ ना। पहले मैं सिर्फ अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, पर जब मैंने देखा कि वो बहुत परेशान हो गई और वो बोल रही थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का खुद ही कोई तरीका निकालेगी, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़े दिन और टॉर्चर करती हूँ, फिर उसे सब कुछ सच बता दूँगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जान ले लेगी। और तुम्हारे इस पागलपन ने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली। बहुत बड़ा क्राइम किया था, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज बिलीव मी। लेके जाओ इसे। सर, सर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आकांक्षा ने तो अपनी मिस्टेक को मान ली, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि रितु की बॉडी स्कूल के पंखे तक पहुंची कैसे और उसे किसी ने देखा कैसे नहीं। इसका जवाब तो स्कूल में मिलेगा। तेरा नाम क्या है? रमेश नाम साहब। जिस दिन रितु की मौत हुई उस दिन तू यहाँ नहीं था ना? नहीं नहीं साहब, वो तो दूसरा था, वो नौकरी छोड़ दिया था, उसी की जगह पे मैं आया। उस पहले वाले वॉचमैन का नाम और पता जानते हो? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। कब तक आएंगे आप? हाँ यहाँ सब आ गए क्या? रुकिए रुकिए रुकिए। बड़ी महंगी शराब पी रहा? ये नया फोन, नई घड़ी, टीवी, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से? तनख्वाह से। नौकरी की छोड़ी? जल्दी कर, कोई आ जाएगा और तू खड़े खड़े क्या देख रही? चाचा को हेल्प कर। आप लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। रितु एक भद्दे मजाक का शिकार हुई। आकांक्षा ने उसे ये झूठा एहसास दिलाया कि उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, और फिर आप लोगों के डर से घबराई हुई आपकी बेटी ने जो कदम उठाया उसकी वजह से उसकी जान गई। सर ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये आकांक्षा, ये इनके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं सर। बस बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया, वरना इन लोगों ने तो मेरी परवरिश को ही कोसना शुरू कर दिया था। अरे तो मेरी बेटी है, इसके अलावा मैं इस घर की रितु, रितु, अरे रितु, रितु दरवाजा तो खोल, रितु, रितु। बोल मेरी बच्ची, बोल ना। मैं प्रेग्नेंट क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने ये कर लिया। मुझे बचा लो ना मम्मी। तू ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? मैं मरना नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरने दूंगी। एक सुनते हो जल्दी आओ। ये क्या हो गया? तू प्रेग्नेंट थी, बच्चा गिराने की कोशिश कर रही थी। क्या? बच्चा गिराने की कोशिश? अरे चलो देख क्या रही हो, अस्पताल लेके चलते हैं इसे। चलो चलो इसे अस्पताल ले चलो। भाई साहब अस्पताल लेके चलते हैं, देखो कितनी ब्लीडिंग हो गई है, मर जाएगी ये। कौन से अस्पताल ले जाओगे? क्या बोलोगे? लोग थूकेंगे मुंह पर, उल्टा पुलिस का जुलूस निकालेगी वो अलग से। थोड़ा दिमाग लगा, तेरी एक बेटी और भी है, उसकी शादी कैसे करोगी? कोई नहीं ले जाएगा तो मैं ले जाऊंगी इसे अस्पताल। चल मेरी बच्ची, आ जा मेरी बच्ची। शरद संभाल अपनी घरवाली को, ये इस हालत में इस घर के टोकट से बाहर गई तो इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे।
मर जाने दो इधर ही इसे। अरे ऐसी कैसे मरने दो? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? ले चलो इसे अस्पताल। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो तो क्या करी करी देख रहे हो? ले चलो मर जाएगी मेरी बच्ची। तुम तो दे रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे चुप। भाई साहब ठीक कह रहे हैं। पापा मुझे पहचानो ना पापा, मुझे पहचानो ना पापा। बॉडी का क्या करना है साहब? इसे स्कूल ले चलते हैं। जा कुछ और बाजी ले। मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार रितु ने खुद अपना अबॉर्शन करने की कोशिश की। शायद उसने ये तरीका इंटरनेट से सीखा और वो ये करते वक्त कुछ गलती कर बैठी। वो 45 मिनट दर्द से तड़पती रही और आप लोग उसे मरता हुआ देखते रहे। रितु की मौत की गुत्थी सुलझ गई। रितु के परिवार वालों पर पुलिस को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए। वॉचमैन को अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने और पुलिस को गुमराह करने का दोषी बताया गया और ये सारा मामला इस वक्त अदालत में अपने आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि रितु की मौत के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है हमारे समाज की ये सोच कि लड़कियों को डरा धमका कर ही रखना चाहिए। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें कदम कदम पर आपके प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम उनके साथ हर मसले पर खुलकर बात करें, एक ऐसा संवाद स्थापित करें जिसमें डर और उससे पैदा हुए झूठ के लिए कोई जगह ना हो, बल्कि आपस के विश्वास से जन्मी सच की वो रोशनी हो जिसमें राह भटकने की नहीं बल्कि सही राह पर चलने की दिशा निर्धारित हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सब। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.